हाय फ्रेंड्स, नवे रसोई में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आज आपके लिए मैं स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो बनाना एकदम इजी व आसान तरीके से आप बना के तैयार कर सकते हो। चलो बनाना शुरू करते हैं। मैं एक परात ले ली हूँ और परात के अंदर एक कटोरी मैदा डाल देती हूँ। मैदा से बनाएंगे परतदार नमक पारे, जिनको खाइए चाय के साथ खाइए सुबह शाम। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है नमक पारे के अंदर। परतदार नमक पारे बनाएंगे समोसे की डिजाइन में। अब मैं इसके अंदर अजवाइन डाल दी हूँ और अब मैं इसके अंदर नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार। नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो आप। इजी तरीके से आपको परतदार नमक पारे बनाने बताऊँगी मैं। अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी। ऑयल ज़्यादा ही डालना है आपको, घी भी डाल सकते हो, ऑयल भी डाल सकते हो आप, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही चीज़ आप इसके अंदर डाल सकते हो। और अच्छी तरह से इसे मिक्स करके और अच्छी तरह से मोइन को चेक कर सकते हो आप। ऐसे मोइन परफेक्ट होना चाहिए, लड्डू बन जाना चाहिए मोइन डालते समय। अभी इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के और फिर आटे को गूंद लेती हूँ। आटे को टाइट गूंदना है, सॉफ्ट आटा गूंदना है और टाइट गूंदना है, बिल्कुल नरम नहीं गूंदना। झटपट बना के तैयार कर लीजिए नमक पारे। सफर के अंदर भी ले जा सकते हो और घर पर ही बना के तैयार कर सकते हो। मार्केट में लाने की आपको आवश्यकता नहीं है। मार्केट में आप लेने जाओगे तो कितने पुराने रहेंगे और मिलावट से भरपूर रहते हैं। तो मैं आटे के डोर लगा के तैयार कर ली हूँ। इजी तरीके से आटा लगा के मैं तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसकी लोई तोड़ लेती हूँ। छोटी छोटी लोई तोड़नी है, झटपट बना के आप तैयार कर लोगे। बच्चे बड़े बहुत चाव से खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। छोटी छोटी लोई तोड़ लीजिए और फिर छोटी छोटी लोई तोड़ के फिर पूड़ी की जैसे बना के और फिर परतदार नमक पारे बना के तैयार कर लीजिए। एक बार बनाओगे तो आपका मन बार बार बनाने का करेगा। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मैं इसे गोल गोल लोई सभी लोइयों को मैं तोड़ ली हूँ। अब इसे गोल गोल कर लेती हूँ, गोल गोल बना के और फिर मैं परतदार नमक पारा बनाना बताऊँगी आपको। बहुत इजी तरीके से आपको मैं बनाना बताऊँगी। अब मैं लोई बना के तैयार कर ली हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाल लेती हूँ और ऑयल डाल के फिर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, ऑयल डाल दी हूँ और अब फिर बनाना शुरू कर देती हूँ। मैं लोई ले ली हूँ और लोई को अच्छी तरह से गोल कर ली हूँ और अब मैं बेलन की सहायता से बेल के और आपको बताती हूँ परतदार नमक पारे बनाना। छोटी सी पूड़ी की जैसे बना लीजिए और बना के फिर आप इसे परत डाल दीजिए इसके अंदर। आपको ज़रूर नहीं गोल साइज में मिले, साइज कैसी भी हो ऐसे परत लगा दीजिए, फिर ऐसे लगा दीजिए दोबारी। तो आप देखिए परतदार नमक पारा बन के तैयार हो गया। ऐसे करके सभी को बना के तैयार कर लो आप। बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं परतदार नमक पारे। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, मिनटों में बना के आप तैयार कर लोगे। इसके अंदर कोई झंझटबाजी नहीं है, एकदम हलवा स्टाइल में आपको बनाने बता रही हूँ मैं। जैसे हलवाई बनाता है वैसे बनाना मैं बता रही हूँ। बहुत इजी तरीके से आप इसे बना के तैयार कर सकते हो। देखिए एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे करके मैं सभी को बना के तैयार कर लूँगी। आपका जब भी मन करे, आप जब भी कहीं पे जाने का सोचे तो रास्ते में नाश्ते पानी की आपको व्यवस्था ना हो तो नमक पारे बना के ले जाइए। बाहर से खाने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, घर पर ही बना के ले जाइए। परतदार नमक पारे बना लीजिए। कई जगह इसे परतदार शक्कर पारे बोलते हैं, कई जगह इसे नमक पारे बोलते हैं। देखिए ऐसे घुमा के
और फिर ऐसे कर लीजिए। परतदार शक्करपारे बन के तैयार हो गए। सभी को बना के मैं तैयार कर ली। ऑयल में पहले से ही गरम रखी थी, तो ऑयल गरम होते ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ऑयल गरम हो गया, मैं डालना शुरू कर देती हूँ इसके अंदर। एक एक करके सभी पीसेज को इसके अंदर डाल दूंगी मैं और अच्छी तरह से बना के तैयार कर लूँगी। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, मिनटों में बना के आप तैयार कर सकते हो। सुबह शाम चाय के साथ खाइए, बच्चों को वैसे खिलाइए, बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं परतदार शक्करपारे। तो सभी को मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और फिर इसे बना लेती हूँ। अब मैं सभी को इसके अंदर डाल दी हूँ। अब मैं जर की सहायता से इसे इधर उधर कर देती हूँ और पका लेती हूँ अच्छी तरह से। मैं आपको बता रही थी झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। देखिए कलर चेंज होने लगा है और टाइम भी नहीं लगा बनने में। आप इसे त्यौहार स्पेशल भी बना सकते हो, गणगौर, होली, शीतला सप्तमी, इन पे भी बना सकते हो। और आपका मन करे जब भी बना सकते हो आप। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, कोई भी इसके अंदर झंझटबाजी नहीं है, ना इसके अंदर ज़्यादा सामान की आवश्यकता पड़ेगी आपको। ओनली मैदा और अजवाइन नमक की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो वो हर किसी के घर में अवेलेबल रहती है। तो आपका मन जब करे जब बना के तैयार कर सकते हो। एक बार मेरे कहने से आप भी बनाइए, आपके बच्चे व बड़े बहुत चाव से खाएंगे और आपकी तारीफ पे तारीफ करेंगे। अच्छा सा ब्राउन कलर होने तक इसे पकाना है और लो फ्लेम पे ही पकाना है, ज़्यादा हाई पे नहीं पकाना, अन्यथा ये जल जाएंगे। तो देखिए कलर चेंज हो गया, एकदम क्रिस्पी व सॉफ्ट नमक पारे बनाएंगे। बिना दांतों वाले भी इसे खा जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर क्या चीज़ है। देखने में तो ऐसे लगेंगे भाई हार्ड हैं, और फिर खाओगे जब एकदम सॉफ्ट हैं। अच्छा सा कलर आने तक इसे पका लेंगे, हल्का हल्का और पका लेते हैं। वैसे तो कलर आ गया ब्राउन कलर। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ जर की सहायता से। एक प्लेट के अंदर बनके तैयार हो गए। देखिए झटपट बनके तैयार हो गए और मिनटों में बना के तैयार कर ली हूँ मैं। एकदम हलवाई स्टाइल में परतदार शक्करपारे बनके तैयार हो गए। तो मैं सभी को प्लेट के अंदर निकाल ली हूँ। तो देखिए वाओ, कितने टेस्टी और कितने अच्छे परतदार नमक पारे बनके तैयार हो गए। और खाइए और इन्जॉय कीजिए सुबह शाम चाय के साथ। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बनके तैयार हुए हैं। तो देखिए एकदम क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। नव्य रसोई के अंदर आपको नमक पारे की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।